हेलो भैया, आप कहाँ हैं? कितनी देर से आपको कॉल कर रही हूँ। हेलो 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 भैया, पापा आपसे मिलना चाहते हैं। कहाँ हैं आप? मैं बस रास्ते में हूँ। ठीक है। जय की मौत के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, पर उसका एक ही रास्ता था, गौतम की मौत। मैंने जय के कपड़े पहन लिए और जय को मेरे कपड़े पहना दिए। मेरे वॉलेट, लाइसेंस और चेन को जय की लाश में रख दिया। फिर जय की लाश के साथ मेरी गाड़ी को तालाब में धकेल दिया। तुम्हारा फैसला बिल्कुल सही है। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम जिंदा हो, और मैं अच्छे से समझ सकती हूँ कि अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर जय के माँ बाप पर क्या बीतेगी। जय की हत्या क्यों हुई, इस बात का पता तुम्हें ही लगाना है। माँ, और कैथरीन का? वो मुझ पर छोड़ दो। ऐसे हालात में हम जो भी कर रहे हैं वो सही है, समझे? भैया, आईसीयू में मुझे पता चला कि जय के पिताजी कौन थे। उनके परिवार की हालत देखकर मुझे लगा कि मेरा फैसला बिल्कुल सही है, और उसके बाद मैंने जय की जगह ले ली। जब भी वक्त मिलता था, जय के फोन में वीडियोस देखकर जय की आदतें और उसके मैनरिज्म्स को समझने लगा। रामप्रकाश सर ने 500 करोड़ जय गौरी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए और जय की कंपनी और परिवार को बचा लिया। फिर मैं जय गौरी कंपनी का चेयरमैन बन गया और किसी को इसकी भनक तक नहीं हुई। और इसी बीच जय की बहन गौरी की शादी हो गई। मेरे जय गौरी ज्वाइन करने के 10 दिन बाद माँ ने मिसिंग कंप्लेन लिखवाई। तालाब से मिली जय की लाश को माँ ने गौतम करके आइडेंटिफाई कर लिया। ऐश्वर्या के मामले में मैं बहुत सावधान था। उसके लिए जय उसकी जिंदगी था। मुझे हमेशा फिक्र होती थी कि उसे पता न चल जाए कि मैं जय नहीं हूँ। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा टॉर्चर था। मैं कब सबको सच सच बताऊंगा, ये हमेशा मेरे दिल में चलता रहता था। मगर तभी प्रॉब्लम शुरू हो गई। परफेक्ट एक्टिंग करते हो, बस कैसे मैनेज करते हो यही ऑब्जर्व कर रहा हूं। क्या मतलब? कब तक बचे रहोगे गौतम? मैं समझ गया था कि जय के मर्डर के बारे में बंसी को पता चल चुका है, लेकिन उससे भी बड़ा शौक मुझे तब लगा जब मुझे पता लगा कि डेविड और बंसी दोस्त हैं। जय और ऐश्वर्या की शादी के बाद रामप्रकाश जी चाहते थे कि जय उनकी भी कंपनी संभाले, इसीलिए जय को ऐश्वर्या एस्टेट्स के सारे अकाउंट्स रामप्रकाश जी ने सौंप दिए। मगर बंसी ऐश्वर्या एस्टेट्स की लगाम